असलम स्टूडेंट्स आई एम वसीम इक्राम दिस इज दी एथ लेक्चर इन ए सीरीज ऑफ़ फोर्टी फाइव लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कैसे हैं आप चला अच्छे होंगे लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे सिंकॉनस डेकेट काउंटर्स पर और उस पर डिस्कशन कॉन्टी हो रही थी हमने कंप्लीट नहीं की थी आज इनशाला उधर से डिस्कशन शुरू करेंगे इससे पहले कि डेकेट काउंटर्स पर डिस्कशन शुरू करें पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं रिव्यू कर लेते हैं पिछले लेक्चर में हमने ए सीकोनस डाउन काउंटर से बात शुरू की थी ए सीकोनस डाउन काउंटर जैसा कि हमने डिस्कस किया था एक मैक्सिमम काउंट वैल्यू से एक मिनिमल काउंट वैल्यू की तरफ काउंट करता है सो लेट्स से एक थ्री बेट ए सिकॉनस डाउन काउंटर है तो वन 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 जो होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी जब जो ही क्लॉक पल्स आएगा वो काउंट करेगा वन वन जीरो पे फिर फाइव फिर फोर थ्री टू वन ज़ीरो जब जीरो पे पहुंचते हैं दोबारा से रिसाइकिल हो जाता है दोबारा से मैक्सिमम वैल्यू आ, आ जाएगी और उधर से दोबारा से सीक्वेंस चलना शुरू हो जाएगा अब काउंटर में हमने बात की थी कि एक मिनिमल वैल्यू से एक हायर वैल्यू की तरफ काउंट करता है और अगेन जब हाई वैल्यू पर पहुँचते हैं दोबारा से रिसाइकिल करता है अप काउंटर और डाउन काउंटर में जो डिफरेंस था बेसिकली अप काउंटर को अगर आप देखें तो पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका जो क्यू आउटपुट है वो क्लॉक के साथ लगा हुआ है डाउन काउंटर में हमने ये बताया था कि जो क्यू बार आउटपुट है जो कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है वो जो है सेकेंड फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे लगा हुआ है इसी तरह जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसका क्लॉक इनपुट जो है कनेक्टेड है दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्यू बार आउटपुट के साथ सो so बेसिकली ये आपका एक एसंकॉनस डाउन काउंटर बन गया हमने ये भी बात की थी कि आप तो के पास अगर थ्री बिट काउंटर है तो बेसिकली एट स्टेट्स तक काउंट कर सकता है अगर आपने एक ट्रंकेटेड सीक्वेंस काउंट करना है लद्द से आपने थ्री यूनिक स्टेट्स काउंट करनी है तो वो कैसे बनाएंगे उसमें बेसिकली हम ये कह रहे थे कि जो ही जो टर्मिनल काउंट तक आपने काउंट कर लिया उसके बाद आपने एक एंड गेट या अप्रोपिट लॉजिक गेट यूज़ करना है जिसकी मदद से आप अपने काउंटर को प्रीसेट कर रहे हैं उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं प्री सेट कर रहे हैं प्री सेट किस पे करेंगे बेसिकली जो हाईएस्ट वैल्यू है उस पर प्री सेट कर देंगे फिर दोबारा से जब क्लॉक पल्स मिलेगी फिर हाईएस्ट वैल्यू से दोबारा से डाउन काउंट करेगा और जब टर्मिनल काउंट तक पहुंच जाएगा दोबारा से वो प्री सेट हो जाएगा तो वो जो है एक ट्रंकेटेड सीक्वेंस काउंट करेगा इसके बाद हमने अपनी डिस्कशन शुरू की थी सिंकोनस काउंटर्स पे। सिंकोनस काउंटर्स का हमने ये फ़ायदा बताया था कि अगर आप एक लार्ज काउंटर बनाना चाहें लद से एट बेड का या सिक्सटीन बेड का या थर्टी टू बेड का तो वो सिंकोनस काउंटर ही हो सकता है ए सिंकोनस अगर बनाएंगे तो उसमें प्रोपगेशन डिले की वजह से वो प्रॉपर काम नहीं करेगा या अगर हाई फ्रिक्वेंसी क्लॉक सिग्नल आप इनपुट पर अप्लाई करें तब भी ए सिंकोनस काउंटर जो है काम नहीं करेगा सो so, हमारे पास जो सोलूशन है बेसिकली सिंकोनस काउंटर ही है जो कि आपको मल्टीपल बेड काउंटर्स बनाने में मदद करेगा हमने डिस्कस किया था एक टू बिट काउंटर सिंकॉनस काउंटर जो डिफरेंस है मेन ए सिंकॉनस काउंटर्स में और सिंकॉनस काउंटर्स में सिंकॉनस काउंटर्स में बेसिकली जो क्लॉक सिग्नल है वो सारे फ्लॉप्स को इकट्ठा uh, कनेक्टेड है सो so, जो ही क्लॉक में ट्रांजेक्शन होती है सारे फ्लिप फ्लॉप्स में साइमल्टेनियसली ट्रिगर होंगे जबकि ए में ऐसा नहीं है टू बिट सिंकोनस काउंटर में हमने ये देखा था कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसके तो इनपुट्स वन के साथ परमानेंटली कनेक्टेड हैं दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट्स जो हैं वन के साथ परमानेंटली कनेक्ट नहीं किए हुए बल्कि जे के इनपुट्स जो हैं वो क्यू आउटपुट जो है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का उसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं क्लॉक अलबत्त दोनों की कॉमन है जब हम थ्री बिट सिंकोनिस काउंटर की बात करते हैं तो उसमें हमने ये देखा था कि जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उसके जो जे के इनपुट्स हैं वो कनेक्ट हुए हुए हैं एक आउटपुट एंड uh, गेट uh, एक एंड गेट के आउटपुट के साथ एंड गेट का जो इनपुट है वो फ्लिप फ्लॉप पहला वाला और दूसरा वाला उसके आउटपुट जो हैं वो एंड गेट के इनपुट पे कनेक्टेड हैं सो बेसिकली हमने ये बात की थी कि जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है वो अपनी स्टेट उस वक्त चेंज करेगा जब पहले दो फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट स्टेट जो है वन हो जाए इस तरह जब हमने फोरबेट्स कॉनर्स काउंटर की बात की थी हमने ये देखा था कि जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है उसके जो जे के इनपुट्स हैं वो कनेक्ट हुए हैं एक और एंड गेट के साथ थ्री इनपुट एंड गेट के साथ जिसके तीनों इनपुट्स हैं वो फ्लिप फ्लॉप पहला वाला दूसरा तीसरा उसके आउटपुट के साथ कनेक्टेड हैं ये हमने डिस्कस किया था टाइमिंग डायग्राम देखा था चौथा फ्लिप फ्लॉप जो है वो अपनी स्टेट उस वक्त चेंज करेगा जब तीन पहले फ्लिप फलॉप्स के आउटपुट्स हैं सारे वन सौ पिछले लेक्चर में हमने टू बेड थ्री बेड और फोर बेड सिंकॉनस काउंटर्स के बाद हमने बात की थी मॉट uh, टेन या डेकेट सिंकोनस काउंटर डेकेट सिंक्रोनस काउंटर को डिज़ाइन करने का तरीका हमने ये देखा था कि आप पहले पूरा सीक्वेंस जो है जो 10 स्टेट्स हैं 0000 से लेके 1001 तक जो 10 स्टेट्स आ रही हैं वो आप लिख लें अब बेसिकली आपको चार फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए जो आपस में कनेक्टेड हैं ऑफ कोर्स क्लॉक उनका कॉमन है uh, हमने ये देखा था कि पहला जो फ्लिप फ्लॉप है वो हमेशा टॉगल कर रहा है जो ही उसको क्लॉक पल्स मिलती है वो ज़ीरो से वन हो जाता है फिर वन से ज़ीरो हो जाएगा फिर ज़ीरो से वन हो जाएगा सो so बेसिकली पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट जो है वन वन के साथ कनेक्टेड है इसी तरह हमने दूसरा फ्लिप फ्लॉप देखा था उसकी हमने डिटर्मिन की थी कि उसके इनपुट पर क्या होना चाहिए जब वो अपनी आउटपुट चेंज करे इसी तरह हमने तीसरा फ्लिप फ्लॉप देखा था कि उसके इनपुट पर क्या स्टेट्स होनी चाहिए जब क्लॉक सिग्नल आए तो अपने आउटपुट स्टेट को चेंज कर दें और इसी तरह हमने चौथे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट एक्सप्रेशन uh, को देखा था बुलियन एक्सप्रेशन को कि क्या होना चाहिए जब क्लॉक पल्स आए तो उसका आउटपुट चेंज हो जाए वो हमने बुलियन एक्सप्रेशन डिटर्मिन की थी और हमने कुछ गेट्स कनेक्ट किए थे आइए उधर से बात शुरू करते हैं सर्किट देखते हैं इसका टाइमिंग डायग्राम देखते हैं आइए जरा रिव्यू कर लें डेकेट काउंटर का सर्किट डायग्राम सो बेसिकली चार फ्लिप फ्लॉप्स हैं पहला जो फ्लिप फ्लॉप है, है, है. है उसका इनपुट जो है वन के साथ परमानेंटली टाइट है सेकेंड जो फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट जो है कनेक्टेड है एक टू इनपुट एंड गेट के साथ इसी तरह जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है वो भी एक एंड गेट के आउटपुट के साथ कनेक्टेड है जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है वो एक और गेट के आउटपुट के साथ कनेक्टेड है और गेट के जो इनपुट पे दो एंड गेट्स हैं वुलन एक्सप्रेशन जो थे वो हमने पिछली दफ़ा देखे थे जो पहला वाला एंड गेट है जिसका आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से कनेक्टेड है उसके इनपुट एक्सप्रेशन जो है एफ़ नॉट एफ थ्री बार है एफ़ नॉट वन होना चाहिए F3 थ्री बार जो है वो ज़ीरो हो तब ये दूसरा फ्लिप फलॉप जो है अपनी स्टेट स्विच करेगा इसी तरह जो दूसरा एंड गेट है वो कनेक्टेड है एफ नॉट एंड एफ़ वन पे दोनों जब वन होंगे तो तीसरा फ्लिप फ्लॉप जो है अपनी स्टेट चेंज करेगा इसी तरह जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट जो है और गेट के आउटपुट के साथ कनेक्टेड है और गेट जो है दो प्रोडक्ट टर्म्स को सम कर रहा है जो एक प्रोडक्ट टर्म है वो बेसिकली एफ़ और F0 है और दूसरी जो प्रोडक्ट टर्म है वो है F0, F1 वन एंड एफ़ आइए अब जरा टाइमिंग डायग्राम देखते हैं पहला जो फ्लिप फ्लॉप है जैसे कि नज़र आ रहा है एफ़ नॉट आउटपुट जो है वो टॉगल कर रही है हर क्लॉक ट्रांजेक्शन पे हर पॉजिटिव से नेगेटिव क्लॉक ट्रांजेक्शन पे जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है जीरो से वन वन से ज़ीरो सो so, टाइमिंग डाइग्राम में भी आपको एफ़ नॉट आउटपुट जो है वो चेंज होता है नज़र आ रहा है अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली फ्लिप फ्लॉप के जो इनपुट्स हैं दोनों उनको वन के साथ परमानेंटली कनेक्ट करना पड़ेगा अब अगर आप एफ़ वन आउटपुट पे देखें वो टाइम इंटरवल टी टू पर ज़ीरो से वन हो रहा है फिर टाइम इंटरवल टी फोर पर वापस वन से ज़ीरो हो रहा है इसी तरह टी सिक्स इंटरवल पे टॉगल हो रहा है और टी एट इंटरवल पे टॉगल हो रहा है अब टी टेन पे वैसे तो उसको टॉगल होना चाहिए पर हमारे केस में जो डेकेट काउंटर बनाना है बनाया है इसमें टॉगल नहीं हो रहा अब जो है दूसरा फ्लिप फ्लॉप है इसका आउटपुट चेंज करने के लिए इनपुट कंडीशंस क्या होंगे वो हमने पिछली दफ़ा देखे थे टाइमिंग डायग्राम से भी वो आपको नज़र आ रहे हैं एफ़ नॉट जब वन है और एफ़ थ्री जो आउटपुट है वो ज़ीरो हो टाइम इंटरवल टी वन टी टू में तो आपका जो एफ़ वन आउटपुट है वो चेंज हो रहा है इसी तरह टी थ्री एंड टी फोर इंटरवल में देखें एफ़ नॉट आउटपुट वन है और एफ़ थ्री आउटपुट जो है वो ज़ीरो है तब जो एफ़ वन है वो वन से ज़ीरो पे चेंज हो रहा है इसी तरह अगर आप T5, T6 इंटरवल में देखें F0 नॉट आउटपुट वन है और F3 थ्री आउटपुट जीरो है तब भी F1 वन आउटपुट चेंज हो रहा है इसी तरह T7 और T8 इंटरवल में देखें F0 नॉट आउटपुट वन है F3 थ्री आउटपुट जीरो है F1 के आउटपुट में चेंज हो रहा है वन से ज़ीरो अगर आप T9, T10 इंटरवल पे देखें F0 नॉट आउटपुट तो वन है पर F3 थ्री आउटपुट जो है वो ज़ीरो नहीं है इसलिए एफ़ आउटपुट पर चेंज नज़र नहीं आ रहा अब आइए देखते हैं एफ़ आउटपुट जो कि तीसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है अब तीसरा फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो अगर आप देखें T3 T4 इंटरवल पे वो जीरो से वन चेंज हो रहा है सो so, ज़ीरो से वन चेंज होने के लिए एफ़ नॉट आउटपुट वन होना पड़ेगा रखना पड़ेगा और F1 जो आउटपुट है वो भी वन होना चाहिए सो टी थ्री टी इंटरवल में दोनों आउटपुट जो हैं वो वन हैं F2 टू आउटपुट जो है ज़ीरो से वन चेंज हो रहा है इसी तरह T7 T8 इंटरवल में देखें एफ़ नॉट आउटपुट वन है और एफ़ आउटपुट भी वन है और एफ़ टू आउटपुट जो है वो वन से ज़ीरो की तरफ चेंज हो रहा है अब आइए F3 आउटपुट को देखते हैं F3 आउटपुट जो है जो चेंज आ रहा है वो T7 और T8 इंटरवल में लो है और T8 T9 इंटरवल में वो हाई हो गया है इसी तरह T9 T10 इंटरवल में हाई है और T10 से लेके T11 इंटरवल जो कि दिखाया नहीं गया वो लो हो रहा है अब इनपुट कंडीशंस क्या होने चाहिए चौथे फ्लिप फ्लॉप के लिए जिसकी वजह से ये एफ़ के आउटपुट पर चेंज आए तो अगर आप T7 और T8 को देखें तो एक तो इनपुट कंडीशन ये है कि F0 नॉट आउटपुट एफ़ वन आउटपुट और F2 टू आउटपुट ये तीनों वन होने चाहिए तब F3 थ्री आउटपुट जो है ज़ीरो से वन चेंज होगा सो so एक जो एंड गेट लगाया हुआ उसमें ये तीनों इनपुट्स जो हैं कनेक्टेड हैं सो तीनों इनपुट्स जो हैं एफ एफ नॉट एफ वन एफ़ टू जब वन होंगे तो एंड गेट का आउटपुट वन हो जाएगा और गेट का आउटपुट वन हो जाएगा और जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल कर जाएगा ज़ीरो से वन पे अब T9 और T10 टेन इंटरवुल पे अगर देखा जाए बेसिकली एफ़ नॉट आउटपुट वन है और एफ थ्री आउटपुट भी वन है अगर ये दोनों वन होंगे तब एफ थ्री आउटपुट ज़ीरो की तरफ जा रहा है अब अगर दूसरे एंड गेट को देखें उसके दोनों इनपुट uh, जो हैं वो कनेक्ट हुए हुए हैं एफ़ नॉट आउटपुट पर और एफ थ्री आउटपुट पर दोनों जब वन होंगे फ्लिप फ्लॉप फोर जो है वो अपनी स्टेट टॉगल कर जाएगा वन से ज़ीरो की तरफ अभी हमने एक सिंकोनस डेकेट काउंटर देखा उसका टाइमिंग डायग्राम देखा बेसिकली सिंक्नस डैकेट काउंटर जो है दस स्टेट्स दस यूनिक स्टेट्स काउंट करता है सो जीरो ज़ीरो जीरो जीरो से शुरू होकर वन जीरो जीरो वन तक जाता है जो ही ये अलेवन्थ स्टेट काउंट करता है तो ये रीसेट हो जाता है रिसाइकल हो जाता है और दोबारा से अपना सीक्वेंस स्टार्ट कर लेता है अब इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो हमने यूज़ किए चार हैं अगर इसको एलेवंथ uh, स्टेट पे रीसेट ना कि, uh, किया जाए तो ये बेसिकली सोलह स्टेट्स काउंट करेगा ज़ीरो जीरो ज़ीरो से लेके वन 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 तक uh, चलेगा अब बेसिकली आप कोई भी मॉड एन काउंटर बना सकते हैं तरीक़ार क्या होगा सपोज आपने मोड मॉड ट्वेल्व काउंटर आपने बनाना है मॉड ट्वेल्व काउंटर बनाने के लिए अगेन वो सीक्वेंस लिख लेंगे जिसमें ट्वेल्व uh, स्टेट्स आएंगी जीरो जीरो ज़ीरो ज़ीरो से लेके और अलेवेंथ uh, जो बाइनरी नंबर है वो ट्वेल्फ स्टेट होगी अब इसमें भी चार फ्लिप फ्लॉप्स लग रहे हैं उसमें अब पहले फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे उसके आउटपुट स्टेट को देखेंगे कि वो आउटपुट स्टेट जो है क्या चेंजेस आ रहे हैं जीरो वन से हो रहा है अब जीरो से वन हो रहा है वन से ज़ीरो हो रहा है अब आपने ये बताना है कि ये जो आउटपुट पे चेंजेस आ रही हैं पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के उसके इनपुट पे क्या कंडीशंस होने चाहिए सो so, जो भी कंडीशंस हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे सो so, बेसिकली पहला जो फ्लिप फ्लॉप है वो हमेशा टॉगल करेगा वन से ज़ीरो जीरो से वन तो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप जो है उसके जे के इनपुट्स हमेशा वन के साथ ही कनेक्ट करेंगे इसी तरह दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसके आउटपुट स्टेट्स देखें उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको आपने कैसे चेंज कैसे लाना है इनपुट कंडीशंस क्या होंगे वो आपने जो टाइमिंग डायग्राम है या जो सीक्वेंस है उसकी मदद से आपने एक बुलियन एक्सप्रेशन फॉर्म करनी है अब बुलियन एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग लॉजिक गेट्स लॉजिक गेट का जो आउटपुट है वो दूसरे फ्लॉप के जे के इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे सो जो भी वो इनपुट कंडीशन होगी दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है वो अपनी स्टेट चेंज कर देगा इसी तरह तीसरा फ्लिप फ्लॉप और चौथा फ्लिप फ्लॉप उसके भी आप आउटपुट्स देखेंगे उन आउटपुट्स को चेंज करने के लिए आप डिटर्मिन करेंगे कि इनपुट कंडीशन क्या होने चाहिए जो भी इनपुट कंडीशन हैं उसकी एक बुलियन एक्सप्रेशन फॉर्म आ जाएगी वो आप लॉजिक गेट की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे लॉजिक गेट के जो आउटपुट्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके जे के इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे सो so बेसिकली आपका मॉडर्न काउंटर बन जाएगा अब आइए बात करते हैं बड़े काउंटर्स पे अभी तक हमने बात की थी मॉट 16 काउंटर्स तक लेट्स से आप मॉट 16 से बड़ा अगर काउंटर बनाना चाह रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे तरीका वही है कि आपने डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट करने है अब अगर बड़ा काउंटर होगा लेट्स से जिसमें आठ फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए अब उनको आपस में कनेक्ट करना और फिर लॉजिक एक्सप्रेशन डिटर्मिन करना उनको कनेक्ट करना तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी कोनेक्शन बनाने पड़ेंगे इसमें इस काम को आसान करने के लिए आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म में बने बनाए फ्लिप फ्लॉप्स अवेलेबल हैं अब अगर आपने बड़ा फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो वो आप आईसी यूज़ कर लें आपस में कनेक्ट कर लें आपके पास एक बड़ा काउंटर बन जाएगा आइए कुछ आई को देखते हैं कि ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे इनको आपस में कनेक्ट करके बड़े काउंटर्स बना सकते हैं डायग्राम में सेवन फो एच सी वन सिक्स थ्री फोर बेड्स इन काउंटर दिखाया गया डिफरेंट इनपुट्स हैं और डिफरेंट आउटपुट्स हैं आइए ये डिफरेंट इनपुट्स जो हैं और जो आउटपुट्स हैं इनको डिस्कस कर लें ऊपर जो इनपुट्स नज़र आ रहे हैं D0, D1, D2, D3 टू डी थ्री ये फोर बेट इनपुट है बेसिकली इस काउंटर में आप कोई भी इनिशियल वैल्यू प्री सेट कर सकते हैं इसी तरह Q0, Q1, Q2, Q3 चार बेट आउटपुट्स हैं ये काउंटर क्योंकि फोर बेट है सो so आपके पास फोर बेट आउटपुट अवेलेबल है ये काउंटर जो है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है सो so क्लॉक जो सिग्नल है वो पॉजिटिव एज क्लॉक नज़र आ रहा है इस काउंटर को यूज़ करने से पहले इनेबल करना पड़ेगा जब भी ये काउंट करता है तो इसको इनेबल स्टेट में रहना पड़ेगा अब इनेबल कैसे करते हैं बेसिकली दो इनेबल लाइंस हैं ई एन टी और ई एन पी दोनों एक्टिव हाई हैं सो so, जब भी ये दोनों एक्टिव हाई होंगी काउंटर काम करेगा दैट मीन्स काउंट करेगा दो और सिग्नल नज़र आ रहे हैं क्लियर एक्टिव लो सिग्नल और लोड एक्टिव लो सिग्नल बेसिकली क्लियर जो है इसमें जब भी आप ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो जो काउंटर है वो रीसेट हो जाएगा आउटपुट पे ज़ीरो 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 आ जाएगा इसी तरह जो लोड इनपुट है एक्टिव लो इनपुट है जब भी इस पर आप लॉजिक ज़ीरो अप्लाई करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री इनपुट पर होगी वो ये काउंटर लोड कर लेगा अब ये जो क्लियर इनपुट है और जो लोड इनपुट है ये सिंक्रोनस इनपुट है बेसिकली क्लियर सिग्नल आपने लो रखा तो ये काउंटर उस वक्त तक ज़ीरो नहीं होगा जब तक एक नेक्स्ट क्लॉक ट्रांजेक्शन नहीं होती नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव जब भी क्लॉक ट्रांजेक्शन होगी और क्लियर सिग्नल लो है तब ही आउटपुट पर चेंज आएगा अगर क्लियर सिग्नल क्लॉक ट्रांजेक्शन से पहले ही हाई कर दिया सो आउटपुट जो है वो रीसेट नहीं होगी इसी तरह जो लोड इनपुट सिग्नल है वो भी सिंकोनाइज है विद रिस्पेक्ट टू द क्लॉक लोड सिग्नल लो होगा क्लॉक पे ट्रांजेक्शन हुआ तब जो भी D0, D1, D2, D3 पे इनपुट इंफॉर्मेशन है वो लोड हो जाएगी अगर क्लॉक ट्रांजेक्शन से पहले लोड सिग्नल डीएक्टिवेट कर दिया ही जाए तो इनपुट इंफॉर्मेशन इस पर लोड इस काउंटर में लोड नहीं होगी एक जो आखिरी आउटपुट है वो है आर सी ओ आर सी ओ इज़ ट्रिपल क्लाक आउटपुट जो ही ये काउंटर अपना टर्मिनल काउंट तक पहुंच जाता है सो बेसिकली ये मॉड 16 काउंटर तक है जब भी इसका आउटपुट जो है वन 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 तक पहुंचेगा, ये जो आर सी ओ आउटपुट सिग्नल है और ई एन टी ई एन पी इनपुट सिग्नल्स हैं इनकी मदद से आप मल्टीपल काउंटर्स जो हैं कैसकेट आपस में कर सकते हैं ताकि बड़ा काउंटर बना सकें सो लेट्स सपोज आपने दो काउंटर्स आपस में जोड़ने हैं सो so, पहला जो काउंटर है उसका जो आर सी ओ आउटपुट सिग्नल है वो आप कनेक्ट करेंगे ई एन टी और ई एन पी इनपुट सिग्नल दूसरे वाले काउंटर के साथ सो so, जो ही पहला काउंटर अपने टर्मिनल काउंट तक पहुँचेगा आर सी ओ सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा इसकी वजह से दूसरा काउंटर जो है वो इनेबल हो जाएगा क्लॉक सिग्नल दोनों के कॉमन हैं सो दूसरा काउंटर भी इंक्रीमेंट कर जाएगा आइए सेवन फोर एच सी वन सिक्स थ्री काउंटर का ऑपरेशन देखते हैं टाइमिंग डायग्राम की मदद से अब टाइमिंग डायग्राम में सबसे ऊपर क्लियर इनपुट नज़र आ रहा है उसके बाद लोड इनपुट नज़र आ रहा है फिर ई एन पी और ई एन टी चिप इनेबल इनपुट्स हैं डी ज़ीरो डी वन डी टू डी थ्री रिप्रजेंट कर रहे हैं इनपुट जो बिट इनपुट है टाइमिंग uh, डायग्राम में बिट इनपुट चेंज हो रहा है इसके बाद क्लॉक नजर आ रहा है सो पॉजिटिव ट्रिगर्ड क्लॉक है पॉजिटिव ट्रांजेक्शन पे जो काउंटर है वो इंक्रीमेंट करेगा काउंट करेगा Q0, Q1, Q2, Q3 जो हैं चार आउटपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं T1 इंटरवल पे अगर देखा जाए T1 इंटरवल पे क्लियर इनपुट जो है उसको लॉजिक लो पे रखा हुआ है जो ही क्लॉक ट्रांजेक्शन हुई पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजेक्शन हुई जो काउंटर है वो रीसेट हो जाएगा आउटपुट इसकी हो जाएगी ज़ीरो जीरो ज़ीरो ज़ीरो सो क्यू जीरो भी क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री चारों जो आउटपुट्स हैं वो ज़ीरो हो गए हैं दैट मीन्स काउंटर रीसेट हो गया इसके बाद टी टू इंटरवल पे अगर देखा जाए लोड इनपुट जो है वो लो है लोड इनका लोड इनपुट अगर लो हो तो जो भी काउंटर के फोर बिट इनपुट पर इंफॉर्मेशन होगी वो काउंटर में लोड हो जाएगी सो so, अगर टी टू इंटरवल पे देखा जाए उस वक्त डी जीरो पे वन है डी वन पे जीरो है डी टू पे वन है और डी थ्री पे वन है सो लोड सिग्नल लो है पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन पे ये इंफॉर्मेशन जो है काउंटर में लोड हो जाएगी सो क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री आउटपुट पे वन ज़ीरो वन वन नज़र आ रहा है अब टी थ्री इंटरवल पर देखा जाए टी थ्री इंटरवल पे ई एन पी और ई एन टी जो चिप इनेबल सिग्नल्स हैं वो एक्टिवेट हो गए दैट मीन्स ये काउंटर जो है अब काउंट करना शुरू हो जाएगा जो ही इसको क्लॉक पल्स मिलेगा क्लियर इनपुट और लोड इनपुट डीएक्टिवेट हो गए इनपुट uh, जो हैं डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री वो चेंज हो रहे हैं पर इससे काउंटर के आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब टी थ्री इंटरवल पर जो ही पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजेक्शन हुआ जो काउंटर है उसने अपना काउंट इंक्रीमेंट कर लिया सो so बेसिकली टी टू टी थ्री इंटरवल पे जो काउंट लोड किया था वो था वन जीरो वन वन सो टी थ्री इंटरवल पे इससे एक आगे काउंट करेगा सो so, अब काउंट जो हो गया क्यू जीरो पे जीरो क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री पे वन 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 हो गया सो टी थ्री इंटरवल पे इसने काउंट कर दिया फोर्टीन uh, पे पहले जो टी टू टी थ्री इंटरवल में जो काउंट लोड किया था वो वैल्यू थी थर्टीन इसी तरह टी फोर टाइम इंटरवल पे जो ही पॉजिटिव ट्रांजेक्शन हुई काउंट इंक्रीमेंट कर गया और काउंट आ गया 15 पे जो चारों आउटपुट्स हैं वो वन 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 हो गए अब ये क्योंकि इस काउंटर का टर्मिनल काउंट है इसके बाद इसने रिसाइकिल हो जाना है तो जो आर आउटपुट है रिपल क्लॉक आउटपुट वो भी एक्टिवेट हो गई है अब इसके बाद अगर आप टी फाइव इंटरवल पे देखें जो ही क्लॉक ट्रांजेक्शन हुई जो काउंटर है वो रीसेट हो गया Q0, Q1, Q2 और Q3 चारों आउटपुट जीरो पे सेट हो गए और जो रिपल कैरी क्लॉक आउटपुट है वो भी ज़ीरो पे सेट हो गया इसी तरह इंटरवल जो T6 है उसमें जो ही पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन हुई काउंटर ने एक इंक्रीमेंट कर लिया सो Q0, ज़ीरो वन हो गया बाकी जो आउटपुट्स हैं वो जीरो 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 हैं इसी तरह T7 और T8 पे ये इंक्रीमेंट कर रहा है बाय वन काउंट आर जो है वो हमेशा लो रहेगा वो उसी वक्त हाई होगा जब ये टर्मिनल काउंट दैट इज़ वन 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 पर पहुँचेगा अगर आप ऊपर देखें T8 इंटरवल पे ENP जो इनपुट है उसको लो कर रहे हैं सो so, T8 एट इंटरवल के बाद काउंटर जो है काउंट नहीं करेगा क्योंकि इनेबल इनपुट एक जो इनेबल इनपुट है इन दोनों में से कोई भी इनपुट जो है अगर डीएक्टिवेट कर दें सो so, ये काउंट नहीं करेगा सो दैट मीन्स T8 इंटरवल के बाद काउंटर जो है आगे को काउंट नहीं करेगा अभी हमने 74163 फोर वन सिक्स थ्री नॉट सिक्सटीन काउंटर देखा जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म में है सो so, हमने ये बताया कि अगर आपने एक बड़ा काउंटर इंप्लीमेंट करना है तो बजाय ये कि आप फ्लिप फ्लॉप्स लें उनको आपस में जोड़ें इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म में काउंटर्स अवेलेबल हैं उनको आप यूज़ करें अब डिफरेंट टाइप्स के काउंटर अवेलेबल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक डेकेट काउंटर बनाना है अगेन उधर भी आपको चार फ्लिप फ्लॉप्स लेके आपस में जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी 74160 की फॉर्म में एक इंटीग्रेटेड डेकेट काउंटर अवेलेबल है उसके जो पिन हैं वो एग्जैक्टली वन सिक्स जो हमने डिस्कस किया उस जैसी हैं उतनी आउटपुट्स हैं उतने इनपुट्स हैं उनके जो लेबल्स हैं वो भी एक्जैक्टली वही हैं जो डिफरेंस है डेकेट काउंटर में और ये जो मॉट 16 काउंटर हमने डिस्कस किया है डेकेट काउंटर में जो टर्मिनल काउंट है उसका बेसिकली वो है 1001 जो टेंथ स्टेट है तो जो ही डेकेट काउंटर इस टर्मिनल स्टेट पे पहुंचता है जो आर सी ओ रिपल क्लॉक आउटपुट है वो एक्टिवेट हो जाता है सो आर सी ओ जो है हमेशा जब भी टर्मिनल काउंट पहुंचेगा तो वो एक्टिवेट होगा मॉट 16 में वन 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 स्टेट पे जाके एक्टिवेट हो रहा है डेकेट काउंटर में वन जीरो जीरो वन जो टर्मिनल काउंट है उस पर जाके एक्टिवेट हो रहा है बाकी उसका जो फंक्शनैलिटी है वो एक्जैक्टली exactly उसी तरह है जो हमने वन सिक्स थ्री की डिस्क्राइब किए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये आपस में जो 163 है या 160 है इनको आपस में जोड़ के बड़े काउंटर्स कैसे बनाएंगे इनको कैसकेट कैसे करेंगे अभी हमने बात की कि ये जो आर आउटपुट है और जो दो इनेबल इनपुट्स हैं इनकी मदद से हम मुख्तलिफ जो काउंटर्स हैं आपस में जोड़ सकते हैं सो आइए बात करते हैं एक डेकेट काउंटर है जो 160 है उसको आपस में दो जोड़ के हम क्या बना सकते हैं उसमें और जोड़ेंगे कैसे और आउटपुट फ्रीक्वेंसीज कैसे आ रही हैं बेसिकली आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिवाइड बाय 10 हो जाएगी जो एक काउंटर है अगर दो काउंटर जोड़ेंगे तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगी आइए डेकेट काउंटर का सर्किट डायग्राम देखते हैं डायग्राम में एक कैसकेडेड डेकेट काउंटर्स दिखाए गए हैं सो so, दो सेवन फोर एच सी वन सिक्स जीरो काउंटर्स आपस में कनेक्ट किए गए हैं दोनों आइडेंटिकल काउंटर्स में ऑफकोर्स पहला जो काउंटर है उसका ई एन टी और ई एन पी जो इनेबल इनपुट है उनको परमानेंटली प्लस फाइव वोल्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है दैट मीन्स ये काउंटर जो है परमानेंटली एक्टिवेट या इनेबल किया हुआ है जो क्लॉक है दोनों को इकट्ठा एक क्लॉक सिग्नल कनेक्ट किया गया हुआ सो so, जो कि फोर मेगा का सिग्नल है सो so, जो ही क्लॉक ट्रांजेक्शन होगी दोनों काउंटर्स पे इफ़ेक्ट होगा अगर दोनों इनेबल हो, दूसरा जो काउंटर है उसके ई और ई एन पी इनपुट जो हैं वो पहले वाले काउंटर के आर आउटपुट के साथ कनेक्टेड हैं सो so, आर जब भी एक्टिवेट होगा तब दूसरा जो काउंटर है वो काउंट करेगा इस तरह अगर क्लियर इनपुट को और लोड इनपुट को देखें वो दोनों काउंटर्स के आपस में कनेक्ट किए हुए हैं सो दैट मीन्स जब भी क्लियर करेंगे दोनों काउंटर्स क्लियर हो जाएंगे और जब भी अगर काउंट कोई लोड करना है तो दोनों काउंटर्स में कुछ जो काउंट जो इनपुट पे है वो लोड हो जाएगा अब आइए देखते हैं ये काउंटर्स uh, जो हैं काम कैसे करेंगे इससे पहले कि हम इसका टाइमिंग डायग्राम देखें ये जरा देख लेते हैं कि आउटपुट पर फ्रीकवेंसीज़ क्या आएंगी अब क्योंकि सेवन फोर एस सी वन सिक्स जीरो एक डेकेड काउंटर है दैट मीन्स जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है उसको डिवाइड बाई टेन करना है सो so, अगर इनपुट पे फोर मेगा हर्ट्स है सो तो पहला वाला जो काउंटर है उसके आउटपुट पे फोर हंड्रेड किलो हर्ट्स सिग्नल आएगा इसी तरह जो दूसरा काउंटर है वो भी डेकेड काउंटर है तो उसके जो आउटपुट पे डिवाइड बाय टेन हो जाएगा सो so, इनपुट पे अगर फोर हंड्रेड किलो हर्ट्स है आउटपुट पे फोर्टी किलो हर्ट्स सिग्नल आएगा अब ये तीन डिफरेंट सिग्नल्स आपके पास अवेलेबल हैं 4 मेगाहर्ट्ज़ का 400 हंड्रेड का और 40 किलो का आइए अब देखते हैं टाइमिंग डाइग्राम टाइमिंग डाइग्राम में सबसे ऊपर क्लॉक सिग्नल दिखाया गया है जो दोनों काउंटर्स के इनपुट पर कनेक्टेड है उसके बाद Q0, Q1, Q2, Q3 आउटपुट दिखाए गए हैं जो कि पहले काउंटर के आउटपुट्स हैं आर सी दिखाया गया है जो कि पहले काउंटर का रिपल कैरी आउट सिग्नल है इसी तरह पी और ई एन टी जो दो चिप इनेबल सिग्नल हैं वो दूसरे काउंटर के दिखाए गए हैं सबसे नीचे Q0 और Q1 आउटपुट जो कि दूसरे काउंटर के दो आउटपुट्स हैं वो दिखाए गए हैं अब अगर आप T6 इंटरवल पे देखें T6 इंटरवल पे जब भी क्लॉक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है पॉजिटिव ट्रांजेक्शन हो रहा है काउंटर जो है इंक्रीमेंट कर देगा अपना काउंट सो so, पहले जो है टी सिक्स इंटरवल से पहले उसका जो आउटपुट काउंट है वो फाइव है अब टी सिक्स इंटरवल पे ट्रांजेक्शन के बाद काउंट जो है सिक्स हो गया सो क्यू जीरो जो है जीरो है क्यू वन वन है क्यू टू वन है और क्यू थ्री जीरो है इसी तरह टी सेवन पे क्लॉक के पॉजिटिव ट्रांजिशन पे काउंटर एक दफ़ा दोबारा इंक्रीमेंट करेगा सो so काउंट जो है इसका छः से सात हो जाएगा सो क्यू जीरो वन हो गया क्यू वन वन हो गया क्यू टू वन हो गया इसी तरह टी एट इंटरवल पे भी इंक्रीमेंट कर रहा है टी नाइन इंटरवल पे भी इंक्रीमेंट कर रहा है टी नाइन इंटरवल पर क्यू ज़ीरो वन हो गया क्यू वन ज़ीरो हो गया क्यू टू जीरो हो गया और क्यू थ्री वन हो गया अब क्योंकि ये डेकेट काउंटर है सो so जो टर्मिनल काउंट है वो है वन ज़ीरो ज़ीरो वन अब इस पे जो है आर आउटपुट वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटी नाइन इंटरवल पे जो ही काउंट वन ज़ीरो जीरो वन हुआ आर भी एक्टिवेट हो गया अब क्योंकि आर आउटपुट जो है ई e और ई e जो चिप इनेबल इनपुट्स हैं दूसरे काउंटर के उसके साथ कनेक्टेड है सो दोनों इनपुट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए दैट मींस दूसरा जो काउंटर है वो भी एक्टिवेट हो गया इससे पहले दूसरा काउंटर जो था वो एक्टिवेट नहीं हुआ था उसको क्लॉक पल्सेस तो मिल रहे हैं पर वो काउंट नहीं कर रहा अब अगर आप टी इंटरवल से लेकर टी इंटरवल पर देखें पहला वाला जो काउंटर है क्योंकि वो टर्मिनल काउंट अपना रीच कर गया हुआ है सो टी पे जो ही क्लॉक ट्रांजेक्शन होगी पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजेक्शन होगी टी पहला काउंटर रीसेट कर जाएगा स्टेट 0000 पे सो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है Q0, Q1, Q2, Q3 आउटपुट जो हैं सारे जीरो लॉजिक पे सेट हो गए आर सी ओ जो है वो भी वापस डीएक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि जीरो जीरो ज़ीरो जीरो जो है टर्मिनल काउंट नहीं है अब क्योंकि आर जो है वो डीएक्टिवेट हो गए तो ई और ई सिग्नल्स भी डीएक्टिवेट हो गए इसकी वजह से जो काउंटर टू है अब वो काउंट नहीं करेगा दोबारा से डिसेबल हो गया बट एट्टी टेन जो ही पॉजिटिव पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजेक्शन हुई काउंटर टू जो है वो इंक्रीमेंट कर जाएगा सो क्यू ज़ीरो जो है दूसरे वाले फ्लॉप का आ, दूसरे वाले काउंटर का जो आउटपुट है वो ज़ीरो से वन हो रहा है क्यू वन जो है वो ज़ीरो ही रहेगा अब इसके बाद अगर आप टाइमिंग डायग्राम में आगे की तरफ चले जाएं T19 इंटरवल पे अगर दोबारा देखा जाए जो पहला काउंटर है वो अगेन अपना टर्मिनल काउंट रीच कर गया है सो so, Q0 पे 1 है Q1 पे 0 है Q2 पे 0 है और Q3 पे 1 है अब क्योंकि ये टर्मिनल काउंट है सो so आर दोबारा एक्टिवेट हो गया है आर अगर हाई होगा तो ENP और ENT जो सिग्नल्स हैं दूसरे वाले काउंटर के इनपुट सिग्नल्स वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे दैट मीन्स सेकेंड जो काउंटर है वो एक्टिवेट हो गया अब टी ट्वेंटी टाइम इंटरवल पर जो ही पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजेक्शन होगा पहला वाला जो काउंटर है वो रीसेट कर जाएगा जीरो 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 पर और जो दूसरा काउंटर है वो अपने पिछली स्टेट से आगे को एक काउंट करेगा सो so, अगर आप टी ट्वेंटी पर देखें पहला वाला काउंटर जो है Q0, Q1, Q2, Q3 आउटपुट्स हैं वो सारे जीरोज़ हो गए आर सी भी जीरो हो गया ENP और ENT सिग्नल्स भी जीरो हो गए और जो काउंटर टू का Q0 आउटपुट है वो उसने अपनी स्टेट वन से ज़ीरो कर लिया और Q1 जो आउटपुट है वो ज़ीरो से वन हो गया दैट मीन्स सेकेंड जो काउंटर है पहले इनिशियली उसने वन काउंट किया था अब उसने टू काउंट कर लिया इसी तरह टाइम इंटरवल टी ट्वेंटी वन पे देखें सेकेंड काउंटर जो है वो तो डिसेबल हो गया पर जो पहला काउंटर है वो इनेबल है तो वो अपने इनिशियल स्टेट जीरो 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 ज़ीरो से काउंट अप करेगा वन पे चला जाएगा सो एट टाइम इंटरवल टी ट्वेंटी वन क्यू ज़ीरो वन हो गया और बाकी आउटपुट जो हैं ज़ीरो हैं अगर ओवरऑल देखा जाए सो so, इस इंस्टेंट पे टी ट्वेंटी वन इंटरवल पे जो दूसरा काउंटर है वो टू uh, बता रहा है टू काउंट कर रहा है और जो पहला वाला काउंटर है वो वन काउंट कर रहा है अभी हमने देखा दो डेकेट काउंटर्स को कैसे कैस्केट किया जाता है ताकि हमारे पास एक बड़ा काउंटर बन जाए अब बात करते हैं कि जो डेकेट काउंटर है या मॉट 16 काउंटर है उसका एक ट्रंकेटेड सीक्वेंस कैसे काउंट करेंगे बेसिकली मॉट 16 काउंटर है हम ये चाह रहे हैं कि वो मॉट 5 तक काउंट करें अब मॉट 5 में दैट मीन्स पांच यूनिक स्टेट्स हैं दो तरीके हैं बेसिकली ट्रंकेटेड सीक्वेंस काउंट करने के लिए अगर मॉड 16 काउंटर है दैट मीन्स उसकी इनिशियल स्टेट जो है ज़ीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो है और आखिरी स्टेट जो है वन 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 है मॉड 5 बनाने के लिए या तो वो काउंट करेगा ज़ीरो 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 से फोर तक ये पांच यूनिक स्टेट्स हो जाएंगी और फोर काउंट रीच करने के बाद ये टर्मिनल काउंट होगा उसका वापस रिसाइकल कर जाएगा ज़ीरो पे। अगर इस किस्म का काउंटर बनाना है तो बेसिकली क्या करना होगा जो आउटपुट है काउंटर का जब भी वो फोर पे पहुंचे, उधर आपने कुछ लॉजिक सर्किटरी कनेक्ट करेंगे जो ये आखिरी स्टेट को डिटेक्ट करेगा आखिरी स्टेट जब डिटेक्ट कर लेगा उसके नेक्स्ट क्लॉक ट्रांजिशन पे सर्किट को जो काउंटर का सर्किट है उसको रीसेट हो जाना चाहिए क्लियर हो जाना चाहिए ताकि ये रीसाइकिल हो जाए दूसरा तरीका ये है कि आप इनिशियल काउंट जो है वो जीरो नहीं लें कुछ और ले लें लेट्स से अगर आपने मॉड फाइव ही काउंटर बनाना है तो आपका जो काउंट वैल्यूज़ हैं जो यूनिक स्टेट्स हैं वो एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन एंड फिफ्टीन सो बेसिकली ये पांच स्टेट्स हैं सो so आप लोड करेंगे काउंटर को स्टेट एलेवन पे और फिर क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे ताकि वो फिफ्टीन तक काउंट कर ले जब फिफ्टीन तक पहुँचेगा क्योंकि ये टर्मिनल काउंट है आर जो सिग्नल है वो एक्टिवेट हो जाएगा अब आर सिग्नल जो है अगर आप वापस लोड जो इनपुट सिग्नल है उसके साथ कनेक्ट कर लें तो जो इनपुट इनिशियल जो नंबर था 11 जो था वो वापस लोड हो जाएगा सो so बेसिकली ये दो तरीके हैं टू इम्प्लीमेंट ए ट्रंकेटेड सीक्वेंस बेसिकली हम अभी एग्जांपल देखते हैं इन दोनों तरीकों को जो हमने डिस्कस किया जो पहला वाला तरीका जो है कि हम क्लियर कर रहे हैं और दूसरा वाला जो तरीका है कि हम इनिशियल एक जो काउंट वैली है वो लोड कर रहे हैं आइए दोनों को देखते हैं दोनों के टाइमिंग डायग्राम्स देखते हैं आइए पहली एग्जांपल देखते हैं जिसमें 74163 को कन्फिगर किया हुआ है एज मॉड सेवन काउंटर ये एक ट्रंकेटेड सीक्वेंस काउंट कर रहा है सो इनिशियल स्टेट जो है इसकी 1001 है जो कि नंबर नाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी नाइन अब ये काउंट करेगा 15 तक सो so नाइन से 15 तक बेसिकली सात यूनिक स्टेट्स बन रही हैं सो so, जब ये स्टेट वन 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 तक पहुंचेगा टर्मिनल काउंट पे पहुंचेगा का, ये दोबारा से रीलोड कर देगा इनिशियल जो स्टेट है वन ज़ीरो जीरो वन अब अगर सर्किट डायग्राम में देखें इनपुट्स जो हैं डी ज़ीरो डी वन डी टू डी थ्री उस पर हमने परमानेंटली वन ज़ीरो ज़ीरो वन अप्लाई किया हुआ है एक नॉर गेट है जिसका एक इनपुट जो है वो एक एक्सटर्नली सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं और दूसरा जो इनपुट है वो कनेक्ट हुआ हुआ है आर सी ओ आउटपुट के साथ नॉर्थ गेट का जो आउटपुट है वो लोड इनपुट सिग्नल के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है आइए देखते हैं इसका ऑपरेशन टाइमिंग डायग्राम की मदद से टी इंटरवल पे जो नॉर्थ गेट का एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल है लोड नॉर्मल उसको हमने एक्टिवेट कर दिया वन कर दिया जिसकी वजह से नॉर्थ गेट का आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा अब नॉर्थ गेट का आउटपुट क्योंकि लोड इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो लोड इनपुट जो है एक्टिवेट हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा अब टी इंटरवल पे पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन पर जो भी इन्फॉर्मेशन डाटा इनपुट पे है वो लोड हो जाएगी काउंटर में सो डाटा इनपुट पे जो इन्फॉर्मेशन है वो है वन जीरो जीरो वन सो टी इंटरवल पे आउटपुट पे आपको क्यू जीरो पे वन नज़र आ रहा है क्यू वन पे जीरो नज़र आ रहा है क्यू टू पर ज़ीरो है और क्यू थ्री पे वन है टी टू इंटरवल पे अब क्योंकि जो काउंटर है वो इनेबल हो गया ई एन पी और ई एन टी सिग्नल्स एक्टिवेट हैं सो टी टू पर वो काउंट अप करेगा सो काउंट वैल्यू बढ़ जाएगी सो क्यू जीरो पे ज़ीरो हो गया क्यू वन पे वन हो गया क्यू टू पर जीरो है क्यू थ्री पे वन है इसी तरह टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स इंटरवल्स पर वो इंक्रीमेंट कर रहा है अब अगर आप T7 इंटरवल पे देखें Q0 1 हो गया Q1 भी 1 हो गया Q2 भी 1 है और Q3 भी 1 है बेसिकली टी सेवन पर काउंटर जो है अपना टर्मिनल काउंट उसने रीच कर लिया है सो टर्मिनल काउंट रीच करने पे आर सी ओ आउटपुट जो है वो एक्टिवेट हो गया अब आर सी ओ आउटपुट जो है वो NOR गेट के इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो so, NOR गेट का जो आउटपुट है वो भी जीरो हो जाएगा अब क्योंकि NOR गेट का आउटपुट लोड इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो so, टी एट इंटरवल पे जो ही पॉजिटिव ट्रांजेक्शन होती है क्लॉक पे जो इन्फॉर्मेशन है 1001 ज़ीरो जीरो वन डाटा इनपुट्स पर वो दोबारा से काउंटर में लोड हो जाएगा सो क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री पे अगर आप टी एट इंटरवल के बाद देखें दोबारा से वही जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वन जीरो ज़ीरो वन वो दोबारा से लोड हो चुकी है सो so अगेन अगर टाइमिंग डायग्राम को एक्सटेंड करें टी नाइन इंटरवल पे ये एक काउंट इंक्रीमेंट कर जाएगा और इसी तरह टी टेन पर मज़ीद एक काउंट इंक्रीमेंट करेगा अल्टीमेटली ये वापस अपने टर्मिनल काउंट पे रीच करेगा टर्मिनल काउंट पे जो ही पहुंचेगा ये दोबारा से अपने पुरानी वाली स्टेट पे रीसेट हो जाएगा सो so इसी तरह ये जो काउंटर है ये अपने इस सीकुंस को रिपीट करता जाएगा आइए अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने एक सेवन फोर एच सी वन सिक्स वन काउंटर यूज़ किया टू इम्प्लीमेंट ए मॉड नाइन काउंटर इसमें हमने वन सिक्स थ्री यूज़ नहीं किया वन सिक्स वन यूज़ किया वन सिक्स वन और वन सिक्स थ्री में फ़र्क कितना है कि जो क्लियर इनपुट है वन सिक्स वन का वो ए सिंकॉनस इनपुट है जबकि क्लियर इनपुट जो है वन सिक्स थ्री का वो सिंकॉनस इनपुट है इनमें फ़र्क ये है कि 163 में क्लियर जब एक्टिवेट है सो ये काउंटर उस वक्त क्लियर होगा जब पॉजिटिव ट्रांजिशन होगी क्लॉक की वन सिक्स वन के केस में क्योंकि क्लियर इनपुट ए सी है तो जो ही एक्टिवेट होगा काउंटर रीसेट uh, हो जाएगा क्लॉक का वेट नहीं करेगा क्लॉक का ट्रांजेक्शन जो है इसको इफेक्ट नहीं करेगा आइए इस काउंटर को देखते हैं कि ये काम कैसे करता है uh, जैसे कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया Q0 और Q3 जो आउटपुट पिन हैं वो एक एंड गेट के इनपुट के साथ कनेक्टेड हैं सो दिस मीन्स जब भी ये काउंट वैल्यू 1001 पे पहुंचेगा, एंड गेट का आउटपुट वन हो जाएगा अब एंड गेट का आउटपुट क्योंकि नॉर गेट के इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो नॉर गेट का आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा सो दैट मीन्स क्लियर जो इनपुट है वो ज़ीरो हो गया सो so क्लियर जब जीरो होगा जो काउंटर है वो रीसेट हो जाएगा इसमें काउंट जीरो ज़ीरो जीरो जीरो वैल्यू जो है वो आउटपुट पर नज़र आएगी सो so बेसिकली ये जो काउंटर है एक ट्रंकेटेड काउंट काउंट कर रहे हैं सो ज़ीरो से लेके ये एट तक काउंट करेगा विच मीन्स नाइन यूनिक स्टेट्स जू ही ये दसवीं स्टेट पे पहुंचेगा विच इज़ वन जीरो ज़ीरो वन ये दोबारा से रीसेट हो रहा है आइए वन सिक्स वन काउंटर का टाइमिंग डायग्राम देखते हैं टी नॉट इंटरवल पे जो एक्सटर्नल लोड नॉर्मल इनपुट है उसको एक्टिवेट किया ये क्योंकि नॉर गेट के इनपुट के साथ कनेक्टेड है नॉर गेट का आउटपुट जीरो हो जाएगा सो ये काउंटर जो है रीसेट हो गया क्लियर हो गया अब टी नॉट इंटरवल के बाद टी वन इंटरवल पे uh, ये ज़ीरो जीरो 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 काउंट से इंक्रीमेंट कर गया सो क्यू जीरो पे वन आ गया क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री जो हैं वो है वो so जीरो पे हैं सो जीरो से वन पे काउंट कर गया इसी तरह टी टू पे ये टू काउंट करेगा टी थ्री पे थ्री काउंट करेगा टी फोर टी फाइव टी सिक्स टी सेवन पे ये इंक्रीमेंट करता जाएगा टी सेवन पे ये वन 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 और जीरो शो कर रहा है दैट मीन्स सेवन बाइनरी अब टी एट इंटरवल पे जो ही पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन होगा ये इंक्रीमेंट कर जाएगा सो Q0 ज़ीरो आउटपुट जो है ज़ीरो हो गया Q1 वन आउटपुट जो है ज़ीरो हो गया Q2 टू आउटपुट जो है वो जीरो हो गया और Q3 थ्री आउटपुट जो है वो वन हो गया सो so, T8 एट इंटरवल तक इसने अपने नौ स्टेट्स काउंट कर लिए ज़ीरो से लेके आठ तक अब अगला जो इंटरवल है T9 नाइन इंटरवल उसमें इसको रीसेट हो जाना चाहिए T9 नाइन इंटरवल पर जो ही पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजेक्शन हुआ Q0 जो है वन हो जाएगा Q1 वन ज़ीरो रहेगा Q2 टू ज़ीरो रहेगा और क्यू भी क्योंकि वन है वो वन ही रहेगा अब क्योंकि जो Q0 का आउटपुट है और Q3 का आउटपुट है वो एंड गेट के साथ कनेक्टेड है एंड गेट का आउटपुट वन हो गया वो नॉर गेट के इनपुट के साथ कनेक्टेड है नॉर गेट का आउटपुट जो है वो क्लियर इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो टी नाइन इंटरवल पे पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन पर थोड़ी देर बाद जो क्लियर इनपुट uh, है वो एक्टिवेट हो गया काउंटर रीसेट कर गया सो टी नाइन इंटरवल में अगर आप देखें Q0, Q1, Q2 और Q3 थ्री आउटपुट जो हैं वो जीरो 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 पर सेट हो गए अब इसके बाद जो है T10 टेन इंटरवल पर अगर आप एक्सटेंड कर लें इस टाइमिंग डायग्राम को तो जीरो 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 से इंक्रीमेंट करेगा वन काउंट करेगा इसी तरह अगले इंटरवल पर वो टू काउंट करेगा एंड सो ऑन तो ये अगेन ये सीक्वेंस जो है रिपीट करता जाएगा अभी हमने दो एग्जाम्पल्स देखी जिसमें हमने ट्रंकेटेड सीक्वेंस इंप्लीमेंट किया है एक फोर बेट काउंटर की मदद से बेसिकली बिट काउंटर अगर आप यूज़ करें उसको अगर काउंट करने दें तो वो मॉट 16 के तौर पे काउंट करेगा दैट मीन 16 यूनिक स्टेट्स जीरो ज़ीरो 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 से शुरू करेगा और वन 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 तक जाएगा ट्रंकेटेड सीक्वेंस में हम बीच में कहीं उसको स्टॉप कर रहे हैं और दोबारा रिसाइकल कर रहे हैं सो so, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था दो तरीके हैं आप इनिशियल काउंट ज़ीरो जीरो ज़ीरो ज़ीरो से शुरू करें और उसको बीच में किसी काउंट तक जाने दें और उसके बाद उसको क्लियर कर दें तो उसी सीक्वेंस में बार बार रिपीट करता जाएगा दूसरा जो तरीका था कि हम बीच का कोई काउंट इनिशियल काउंट उसको ले लें उस वो काउंट लोड कर दें काउंटर पे उसको काउंट करने दें जब वो वन 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 तक पहुंचेगा तो उसका आर जो आउटपुट सिग्नल है वो एक्टिवेट हो जाएगा उसकी मदद से वो जो इनिशियल काउंट वैल्यू है दोबारा से लोड कर रहे हैं पहले केस में जब हम क्लियर कर रहे हैं वो हमने बात की थी कि उधर हम 163 यूज़ नहीं करेंगे 161 यूज़ करेंगे 161 में हमने ये बताया कि उसका जो क्लियर इनपुट है वो ए सिंक्रोनस है सिंक्रोनस नहीं है सो so अगर आप टाइमिंग डायग्राम देखें उसमें अगर वो सिंक्रोनस काउंटर होता तो हमें प्रॉपर स्टेट्स नहीं मिलने थी अगले टाइम इंटरवल पर जाके उसको क्लियर करेगा अगर सिंक्रोनस हो वन काउंटर यूज़ हो जो 161 हमने यूज़ किया उसका जो क्लियर इनपुट है वो ए सिंकोनस है तो जो ही एंड गेट का आउटपुट एक्टिवेट होगा उसी वक्त वो क्लियर कर जाएगा वो नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजेक्शन का इंतज़ार नहीं करेगा आइए अब बात करते हैं कि हम डिफरेंट काउंटर्स जो उनको कैसकेट कैसे करेंगे और उनको कन्फिगर कैसे करेंगे ताकि वो ट्रंकेटेड काउंट सीक्वेंस काउंट करें बेसिकली हमने जैसे दो डेकेट काउंटर्स के एग्जाम्पल देखी थी दो डेकेट काउंटर्स आपस में कैसकेट किए थे तो दोनों जो काउंटर्स थे पूरी अपने जो सीक्वेंस है मॉड टेन एंड मॉड टेन दोनों पूरा सीक्वेंस अपना कंप्लीट कर रहे थे अगर हम ये चाहें कि दो जो हैं मॉड 16 काउंटर्स आपस में कनेक्ट कर लें और वो दोनों मॉड 16 तक काउंट ना करें कहीं बीच में सीक्वेंस स्टार्ट करें और एंड तक जाएं, या पहले ज़ीरो 0000 से स्टार्ट करें और बीच में जाके दोबारा से रिसाइकिल कर दें तो इस किस्म के काउंटर्स कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं इनका सर्किट डायग्राम और टाइमिंग्स को डिस्कस करते हैं डायग्राम में एक 12 बिट कैसकेडेड ट्रंकेटेड काउंटर दिखाया गया सो so, तीन सेवन फोर एच सी वन सिक्स थ्री आपस में कनेक्ट किए गए हैं तीनों की जो क्लॉक सिग्नल है वो कॉमन है इसी तरह जो लोड इनपुट सिग्नल्स हैं वो भी आपस में कॉमन है थ्रू ए नॉर गेट कनेक्ट हुए हुए हैं जो पहला वाला काउंटर है उसका आर सिग्नल जो है वो दूसरे वाले ई और ई एन के साथ कनेक्टेड है इसी तरह जो दूसरा वाला काउंटर है उसका आर आउटपुट सिग्नल जो है वो तीसरे वाले काउंटर के ई और ई एन सिग्नल्स के साथ कनेक्टेड है जो क्लियर इनपुट सिग्नल है वो भी आपस में कॉमन है अब जैसा कि तीनों काउंटर्स के डाटा इनपुट्स पे आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं सो पहला वाला जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे है वो लीस सिग्नीफिकेंट फोरबेड काउंटर है उसके इनपुट पे ज़ीरो 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 नज़र आ रहा है जो बीच वाला है उसके इनपुट्स पे भी ज़ीरो 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 है और जो आखिरी वाला है एक्सट्रीम राइट right पे उसके इनपुट्स पे ज़ीरो 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 वन है इस काउंटर के अगर ऑपरेशन को देखें शुरू में इन काउंटर्स को लोड किया जाता है किन वैल्यूज से जो वैल्यूज़ इनके डाटा इनपुट्स पे अब अप्लाई की गई हैं सो पहला जो काउंटर है वो जीरो ज़ीरो 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 पर लोड हो जाएगा दूसरा जो काउंटर है अगेन जीरो ज़ीरो ज़ीरो जीरो, जीरो, जीरो से लोड हो जाएगा और आखिरी वाला जो है वो जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन वैल्यूज़ में लोड हो जाएगी अब जो ही क्लॉक सिग्नल आया पहला जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे काउंटर है वो अपना काउंट इंक्रीमेंट करेगा अब ये काउंट इंक्रीमेंट होता जाएगा जब तक ये अपने टर्मिनल काउंट तक नहीं पहुंच जाए बाकी जो काउंटर हैं वो डीएक्टिवेट हुए हैं वो काम नहीं कर रहे ऑल दो उनको क्लॉक सिग्नल मिल रहा है सो so, जो ही एक्सट्रीम लेफ्ट पे काउंटर जो है उसका काउंट वन 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 हो गया आर सिग्नल एक्टिवेट हो गया आर सिग्नल जब एक्टिवेट होगा जो दूसरा काउंटर है वो इंक्रीमेंट कर जाएगा बाय वन जो ही ये इंक्रीमेंट करेगा नेक्स्ट क्लॉक ट्रांजिशन पे जो आर सिग्नल है पहले वाले काउंटर का वो डिसेबल हो गया दूसरा जो काउंटर है वो भी डिसेबल हो गया इसी तरह पहला जो काउंटर है दोबारा से अपना काउंट सीक्वेंस स्टार्ट करेगा ज़ीरो जीरो ज़ीरो जीरो से वन 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 तक जब भी ये टर्मिनल काउंट पे पहुंचेगा आर सिग्नल अगेन एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से दूसरा काउंटर भी एक्टिवेट हो जाएगा वो अपना काउंट जो है पिछला जो काउंट था वन उससे इंक्रीमेंट कर जाएगा टू पे अगर इसको आप कंटिन्यू रखें अल्टीमेटली जो सेकंड काउंटर है वो भी काउंट करता करता अपने टर्मिनल काउंट तक पहुंचेगा वन 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 तक जब ये टर्मिनल काउंट पहुंचेगा, इसका भी आर सिग्नल आउटपुट एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से जो तीसरा काउंटर है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा जो ही क्लॉक सिग्नल आएगा तीसरा काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट कर जाएगा वन पे अब इसी तरह इसको क्लॉक पास जब मिलते रहेंगे अल्टीमेटली तीसरा काउंटर जो है वो भी अपने टर्मिनल काउंट पे पहुंच जाएगा सो दैट मीन्स Q0, Q1, Q2, Q3 आउटपुट जो है वन 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 पे हो जाएंगे जो ही ये टर्मिनल काउंट पे पहुंचेगा आर सिग्नल एक्टिवेट हो गया आर सिग्नल क्योंकि एक नॉर गेट के इनपुट पे कनेक्टेड है नॉर गेट का आउटपुट जो है वो जीरो हो जाएगा अब नॉर गेट का आउटपुट जो है क्योंकि तीनों काउंटर्स के लोड इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो दैट मीन्स जो तीनों डाटा इनपुट्स हैं वो इस वक्त लोड हो जाएंगे सो so बेसिकली ये जो ट्वेल्व बिट काउंटर है ये अपने टर्मिनल काउंट दैट मीन्स जो 12 आउटपुट बिट्स हैं ये सब जब वन हो जाएंगी तो ये रीलोड कर देगा जो इनिशियल इनपुट है सो बेसिकली जो इनिशियल स्टेट इस काउंटर की है वो जीरो 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 ज़ीरो जीरो जीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो ज़ीरो जीरो वन है और जो लास्ट स्टेट है वो सारे वनस हैं ट्वेल्व बिट्स में सारे के सारे लॉजिक वन अभी हमने एक एग्जांपल देखी जिसमें हमने तीन काउंटर्स हैं आपस में कैस्केट किया और उनको कन्फिगर किया कि वो एक ट्रंकेटेड काउंट जो है उसको काउंट करें नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अप एंड डाउन काउंटर की अभी तक जो सिंक्नस काउंटर्स हमने डिस्कस किए हैं वो अप काउंटर बेसिकली थे uh, एक इनिशियल वैल्यू है जीरो ज़ीरो जीरो जीरो और उससे वो इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं जब भी वो हाईएस्ट काउंट पे या टर्मिनल काउंट पे पहुंचेंगे वो वापस रीसेट हो जाएंगे जो ट्रंकेटेड सीक्वेंस देखें उसमें भी वो अप काउंट ही के तौर पर काम कर रहे हैं बेसिकली सिंकानस काउंटर में जैसा कि हमने ए संकोनस में डिस्कस किया था अप काउंटर भी होते हैं डाउन काउंटर भी होते हैं इसी तरह सिंकानस काउंटर में भी अप काउंटर भी होते हैं और डाउन काउंटर भी होते हैं एक जो काउंटर है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो अप काउंट भी कर सकता है और डाउन काउंट भी कर सकता है बेसिकली काउंटर एक है उसको हम कन्फिगर कर सकते हैं टू काउंट अप और डाउन बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस uh, क्या हैं कहाँ इस्तेमाल होगा एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं लेट्स सपोज आपने एक बिल्डिंग में आप ये देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग एंटर हो रहे हैं कितने uh, बाहर निकल रहे हैं तो एक इसी किस्म का एक काउंटर हो जो अप भी काउंट करे और डाउन भी काउंट करे जो ही कोई uh, वर्कर है उस बिल्डिंग का जो एंटर हुआ एक काउंट आपने इंक्रीमेंट कर लिया अप काउंट कर लिया और जो ही कोई वर्कर जो है वो बाहर जा रहा है उसमें तो आपने डिक्रीमेंट कर लिया इसी तरह कोई आपका पार्किंग एरिया है उसमें आप ये देखना चाह रहे हैं कि कितनी गाड़ियाँ बीच में खड़ी हैं और कितनी मज़ीद गाड़ियाँ जा सकती हैं तो बेसिकली अप एंड डाउन काउंटर आपको इस्तेमाल करना होगा जो ही एक गाड़ी एंटर हुई तो उसको इंक्रीमेंट कर लिया और जो ही एक गाड़ी बाहर गई तो डिक्रीमेंट कर लिया सो so, जो आपके पास एक टोटल वैल्यू मिल रही है सो अप काउंटर और डाउन काउंटर जो है एक सिंगल जो सर्किट के फॉर्म में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे बेसिकली हम इसको स्टडी करते हैं पहले तो हम देखते हैं कि अप काउंटर कैसे बनाया जाए वो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है तो उसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे उसके बाद हम देखते हैं कि एक डाउन काउंटर सिंक्नस डाउन काउंटर कैसे बनेगा जब दोनों बन जाएंगे तो उनको आपस में कंबाइन कैसे करना है सो so, आइए पहले देखते हैं कि अप काउंटर का सीक्वेंस क्या है और डाउन काउंटर का सीक्वेंस क्या है और इन सीक्वेंस की मदद से ये काउंटर्स इंप्लीमेंट कैसे होंगे सो so, आइए देखें पहले अप काउंटर का और डाउन काउंटर का सीक्वेंस डायग्राम में एक थ्री बिट काउंटर का सीक्वेंस दिखाया गया जो कि अप काउंटिंग कर रहा है उसमें Q2, Q1 एंड Q0 आउटपुट्स हैं Q0 का अगर आप देखा जाए पुट देखें वो टॉगल कर रहा है जीरो वन वन जीरो ज़ीरो वन वन जीरो में सो बेसिकली ये जो फ्लिप फ्लॉप होगा इसका इनपुट जो है जे के इनपुट जो है वो वन के साथ कनेक्ट होगा जो ही क्लॉक पल्स मिलेगा आउटपुट जो है वो टॉगल कर जाएगा इसी तरह Q1 को अगर देखें Q1 का जो आउटपुट है वो क्लॉक पल्स जीरो और वन में ज़ीरो है उसके बाद क्लॉक पल्स टू थ्री में वन वन है क्लॉक पल्स फोर फाइव में ज़ीरो जीरो हो रहा है और सिक्स सेवन में वन वन हो रहा है इसका अगर बुलियन एक्सप्रेशन बनाया जाए कि ये जो आउटपुट है Q1 का ये कब टॉगल हो रहा है चेंज हो रहा है ज़ीरो से वन और वन से ज़ीरो सो so, Q0 आउटपुट को अगर देखें Q0 आउटपुट जब भी वन है Q1 चेंज हो रहा है सो क्लॉक पल्स वन पे अगर आप देखें Q0 ज़ीरो वन है Q1 वन आउटपुट जो है ज़ीरो से वन हो गया इसी तरह क्लॉक पल्स थ्री पे Q0 ज़ीरो आउटपुट जो है वो वन है Q1 वन आउटपुट जो है वन से ज़ीरो हो गया इसी तरह क्लॉक फाइव पे Q आउटपुट जब वन है Q1 वन आउटपुट जो है ज़ीरो से वन हो रहा है और क्लॉक पल्स सेवन पे Q आउटपुट जब वन है Q1 वन आउटपुट जो है वन से ज़ीरो हो रहा है सो so, इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा बुलीन एक्सप्रेशन बनेगा Q0 ज़ीरो आउटपुट जब वन है तब Q1 चेंज हो रहा है सो फ्लिप फ्लॉप टू जो है उसके इनपुट पे Q आउटपुट डायरेक्टली आप कनेक्ट कर देंगे इसी तरह Q2 आउटपुट पे अगर आप देखें पहले चार क्लॉक पल्स के लिए ज़ीरो है और आखिरी चार पल्स के लिए वो वन हो गया है ये ज़ीरो से वन कब हो रहा है बेसिकली अगर क्लॉक पल्स थ्री पे देखें Q नॉट जब वन है और क्यू वन वन है तो इस वक्त ये चेंज हो रहा है ज़ीरो से वन पे और इसी तरह क्लॉक सेवन को देखें उस पर क्यू टू आउटपुट जो है वो वन है और क्लॉक ज़ीरो पे ये वापस जीरो की तरफ जा रहा है सो so अगेन इसका इनपुट कंडीशन क्या है क्यू वन और क्यू ज़ीरो दोनों को वन होना चाहिए क्लॉक सेवन पे जैसे कि नज़र आ रहा है सो so अब तीसरा जो फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट करेंगे उसका जो जे के इनपुट है वो आप कनेक्ट करेंगे एक एंड गेट के आउटपुट के साथ और एंड गेट के इनपुट जो हैं वो दोनों कनेक्ट होंगे क्यू वन और क्यू जीरो आउटपुट के साथ ये सर्किट हमने पहले भी थ्री बिट का बनाया था आइए देखते हैं एक थ्री बिट सिंकोनस काउंटर का डाउन काउंटिंग सीक्वेंस इस काउंटर में अगेन थ्री फ्लॉप्स यूज़ हो रहे हैं और तीनों जो फ्लिप फ्लॉप्स के क्लॉक इनपुट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं सो so, तीनों फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं साइमल्टेनियसली ट्रिगर होंगे पहले देखते हैं जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है जिसका आउटपुट क्यू जीरो है क्यू जीरो आउटपुट पे आपको जो चेंज नज़र आ रहा है वो वन जीरो वन ज़ीरो दैट मीन्स आउटपुट जो है टॉगल हो रहा है सो so, पहला फ्लिप फ्लॉप है जो उसके जे के इनपुट्स हैं उनको परमानेंटली वन के साथ कनेक्ट करना है सो so, जो ही क्लॉक ट्रांजिशन होगी ये स्टेट जो है अपनी चेंज कर रहेगा अब दूसरा फ्लिप फ्लॉप देखें जिसका आउटपुट क्यू वन है उसका आउटपुट जो है चेंज हो रहा है शुरू में वन वन है फिर ज़ीरो ज़ीरो हो गया फिर वन वन और फिर ज़ीरो ज़ीरो अब क्यू वन जो चेंज हो रहा है इसके इनपुट कंडीशन क्या हैं अगर आप Q0 को देखें Q0 जब क्लॉक पल्स वन केस के केस में Q0 0 है क्यू वन आउटपुट जो है वन से ज़ीरो चेंज हो गया इसी तरह क्लॉक पल्स थ्री पे अगर आप देखें क्यू ज़ीरो जब ज़ीरो है क्यू वन जो चेंज हो रहा है ज़ीरो से वन पे चेंज हो रहा है इसी तरह क्लॉक पल्स फाइव पे क्यू ज़ीरो जब जीरो है क्यू वन का आउटपुट वन से ज़ीरो पे चेंज हो रहा है इसी तरह क्लॉक पल्स सेवन पे जब क्यू जीरो आउटपुट जीरो है क्यू वन का आउटपुट ज़ीरो से वन पे चेंज हो रहा है सो क्यू वन आउटपुट चेंज करने के लिए जो इनपुट कंडीशन है वो क्यू जीरो जो है वो ज़ीरो होना चाहिए अब आइए देखते हैं तीसरे फ्लिप फ्लॉप को तीसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसका आउटपुट है क्यू टू अब क्यू टू इनिशली जो है चार क्लॉक पल्स के लिए वन 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 है और नेक्स्ट फोर पल्स के लिए वो आउटपुट जो है चेंज हो रहा है ज़ीरो जीरो जीरो ज़ीरो पे अब चेंज कहाँ हो रहा है क्लॉक पल्स थ्री से क्लॉक पल्स फोर पे क्लॉक पल्स थ्री पे आउटपुट वन है क्लॉक पल्स फोर पे आउटपुट ज़ीरो हो रहा है सो so, इसका इनपुट कंडीशन क्या है अगर आप Q1 और Q0 को देखें क्लॉक पल्स थ्री पे दोनों आउटपुट्स ज़ीरो हैं सो जब भी Q0 ज़ीरो आउटपुट और Q1 वन आउटपुट जीरो हो जो फ्लिप फ्लॉप थ्री है उसका Q2 टू आउटपुट जो है वन से ज़ीरो पे चेंज हो जाएगा इसी तरह अगर आप क्लॉक पल्स सेवन पे देखें Q2 टू आउटपुट इनिशली ज़ीरो है और नेक्स्ट क्लॉक पे वो वन पे चेंज हो रहा है इनपुट कंडीशंस क्या हैं Q1 और Q0 दोनों को ज़ीरो होना चाहिए सो so, तीसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसके इनपुट पे अगेन हमें जो कंडीशंस प्रोवाइड करने हैं क्यू वन शुड बी जीरो क्यू जीरो शुड बी जीरो सो दैट द थर्ड फ्लिप फ्लॉप चेंजेस इट स्टेट फ्रॉम वन टू जीरो और जीरो टू वन अभी हमने एक थ्री बेट काउंटर का सीक्वेंस देखा और थ्री बेट डाउन काउंटर का सीक्वेंस देखा थ्री बिट अप काउंटर जो सीक्वेंस है वो पहले भी हमने थ्री बिट काउंटर अप काउंटर बनाया था तो ये बेसिकली एक रिव्यू था थ्री बिट डाउन काउंटर को अगर आप देखें उसके जो बुलिन एक्सप्रेशन आ रही हैं वो ऑपोजिट हैं थ्री बिट अप काउंटर के फॉर एग्ज़ाम्पल जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पर कंडीशन क्या होनी चाहिए Q0 ज़ीरो बार हमने कहा था कि जे के इनपुट पे कनेक्ट करें इसी तरह जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे हमने जो बुलिन एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही थी वो पहले वाला फ्लिप फ्लॉप और दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के जो क्यू बार आउटपुट्स हैं उनको एंड गेट के थ्रू कनेक्ट करके तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के जे के फ्लॉप के इनपुट के साथ कनेक्ट किया था अगर आप काउंटर को देखें तो उसमें जो है जो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट हैं वो यूज़ किए थे सो जो दूसरा दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे हमने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का क्यू आउटपुट डायरेक्टली कनेक्ट किया था और जो तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पर हमने पहला वाला फ्लिप फ्लॉप और दूसरे वाले फ्लिपफ्लॉप का क्यू जो आउट है उसको एंड गेट के थ्रू प्रोडक्ट करके वो कनेक्ट किया था अब इन दोनों को जो अप काउंटर है डाउन काउंटर है एक सिंगल सर्किट में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे बेसिकली इम्प्लीमेंट uh, करना काफ़ी आसान है इसमें जो अप uh, काउंटर है डाउन काउंटर है दोनों uh, होंगे एक हम कंट्रोल सिग्नल यूज़ करेंगे जो कन्फिगर कर देगा आइदर एज ए अप काउंटर और एज ए डाउन काउंटर ये जो एक कंबाइंड सर्किट है जो अप काउंटर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और डाउन काउंटर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है विद द कंट्रोल इनपुट पिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन ऑफ़ कोर्स इसी आप डाउन काउंटर से शुरू होगी अपना ख्याल रखिएगा अस्सलाम वालेकुम